रेड बुल द एनर्जी ड्रिंक, आपने भी जरूर कभी ना कभी इसकी ऐड देखी होगी। हो सकता है कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिशन से एक रात पहले एक दो कैन पीकर ऑल नाइटर भी मारा हो। रेड बुल हैज अ वेरी फेमस टैगलाइन, इट सेज रेड बुल गिव्स यू विंग्स, मतलब रेड बुल पीने से आपके पंख निकल आएंगे। टैगलाइन को ध्यान से पढ़ें तो देखेंगे कि विंग्स की स्पेलिंग में एक आई के बजाय तीन आए हैं। इज इट जस्ट अ सिंपल कोइंसिडेंस? वेल नो इट्स नॉट। इन तीन आई के पीछे एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2013 से पहले रेडबुल 20 साल से सेम टैगलाइन यूज कर रहा था, बट विद द नॉर्मल स्पेलिंग, यानी विंग्स में सिर्फ एक ही आई था। बट 2013 में बेंजामिन कैरेथर्स नाम के एक अमेरिकन ने रेडबुल पर कोर्ट केस कर दिया कि भाई इनकी एड तो कहती है कि रेडबुल पीने से पंख निकल आएंगे। अब मैं 10 साल से इस उम्मीद में रेडबुल पिए जा रहा हूँ कि आज पंख निकलेंगे, कल पंख निकलेंगे, अभी 10 साल हो गए यार, अभी तक तो पंख निकले नहीं है, और इसलिए मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। Tell everybody, what happened to you? Well, I heard that Red Bull gives you wings. Right. So I drank a Red Bull and I tried to fly. चलो मैंने थोड़ा सा exaggerate कर दिया। Benjamin ने exactly ये words use नहीं किए थे, but he said कि Red Bull की ads जो कहती हैं, product वो सब करता नहीं है। And guess what happened next? इस lawsuit के चलते Red Bull को एक settlement के लिए मानना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि 2002 से 2014 तक अमेरिका भर में जिस भी कस्टमर ने Red Bull का एक भी कैन किया है, वो अपनी परचेज रिसीट दिखाकर अपने पैसे वापस ले सकता है। रेडबुल को टोटल $13 million, यानी अबाउट 100 करोड़ रुपए अपने कस्टमर्स को वापस करने पड़े, और साथ ही उनको चेंज करनी पड़ी अपनी 20 साल पुरानी टैगलाइन, जिसके कारण उन पर ये केस हुआ था। पर हाँ, रेडबुल ने भी टैगलाइन को पूरी तरह से चेंज नहीं किया। उन्होंने बस विंग्स की स्पेलिंग चेंज करके उसमें एक आई के बजाय तीन आई लगा दिए, जिससे वर्ड्स विंग्स की बजाय विंग्स हो गया। टैगलाइन सुनने में अभी भी पहले जैसी है, पर अब ये एग्जैक्ट वर्ड डिक्शनरी में है ही नहीं, तो फ्यूचर में कोई उन्हें इस बात के लिए कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। बाद में उन पर एक ऐसा ही लॉसूट कनाडा में भी हुआ, जिसमें फिर से उन्हें अपने कनेडियन कस्टमर्स के साथ सेटलमेंट करनी पड़ी। अब रेडबुल पूरी दुनिया में ये तीन आई वाली टैगलाइन ही यूज करता है। कोई इंडियन ब्रांड आ रहा है माइंड में जिसकी टैगलाइन के लिए उस पर केस किया जा सके तो कॉमेंट्स में बताओ, और नहीं याद आ रहा तो एक मेंटोस खाओ यार, दिमाग की बत्ती खुद जल जाएगी। और हाँ, सब्सक्राइब तो कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।